ठीक है ना जोरो, इससे हो जाएगा ना काम। जोरो तो फ्रीज तक आ जाता है सूंघते सूंघते। मियाँ बीवी कल निकलेंगे अपने गृहस्थी के लिए सारा सामान लेके। मैं यहाँ पर पैकिंग कर रहा हूँ, देखो तो ये बैग है, बैग में देखो कुकर वूकर बर्तन वर्तन रखे हैं, ये कुछ हमारे नई बर्तन रखे हुए थे यहाँ पर घर पे, वो सब मैंने पैक कर लिए हैं। वहाँ पर जोरो आके बैठ गया है, ठीक है। तो ये देख रहे हो चाली वाली सब रखी हुई है हमारे पास में, मतलब इसमें आटा वाटा गूंदने में आसानी होगी। अरे कहना क्या चाहते हो, परात तो मिली नहीं हमें, तो कटोरे से काम हो जाएगा। और एक हमारे पास में एक गिफ्ट आया हुआ था, तो ये बाउल है, इसमें चम्मच उम्मच थे, तो ये डिब्बा ले जाएंगे तो जगह घेरेगा, तो इसलिए अभी हमने अखबार लगा के ये पैकिंग कर ली है। अभी इसको हम कपड़े में रख लेंगे, कपड़े में रख के और इसको भी ले चलेंगे। इसमें कोई मेहमान वेहमान आ गया तो सर्व करने के लिए अच्छा रहेगा ना, कटोरियों की जरूरत पड़ती है कभी कभी। और कोई डिश विश बनाएंगे सब्जी वब्जी तो सर्व करने के लिए एक बड़ा सा बाउल भी है इसमें। ठीक है ना जोरो, इससे हो जाएगा ना काम। समझ गया, हम लोगों का सबका हो जाएगा इसमें। अगर जोरो आता तो जोरो को भी इसमें दे देते हैं नी। तो गाइस हम दोनों ने नहा लिया है, रेडी हो गए हैं नहा के और बैठे हैं, और पैकिंग वैकिंग हम लोगों ने बहुत कर ली, कल आपने वीडियो में दिखाया ही होगा आपको। तो अभी का प्लान ये है कि हम लोग सोच रहे हैं कि कल इतना सारा सामान कैसे कैरी करके इस तरीके से दिल्ली जाएं। तो रिजर्वेशन मैंने देखा IRCTC में, तो कल का रिजर्वेशन तो मिलने से रहा, तो हम सोच रहे हैं कि हम दोनों इतना सारा सामान लेके कैसे जाएंगे। तो अंजलि का भाई मेरा ब्रदर इन लॉ, वो कह रहा है कि हम तीनों ऐसा करते हैं साथ में चलते हैं, मैं कुछ कैरी कर लूंगा सामान, तो उसको भी हम साथ में लेके जा रहे हैं। उसका नाम शुभम है, शुभम जाएगा हमारे साथ में। ये एग्जॉस्ट फैन भी मुझे खोल के लेके जाना है, और एक टेबल फैन हो गया, चूल्हा हम लोगों ने सही करवाया, यहाँ पे एक चूल्हा था आर्ट पे देख रहे होगे आपने, ये देखो सारा खुला हुआ है, बहुत सर्च करा मगर इसका ना रेगुलेटर पाइप नहीं मिला। तो अभी हम लोगों ने चूल्हा तो सही करवा लिया है, चूल्हे के तीनों बर्नर जाम हो रहे थे तो वो हमने सही करवाया, पुराना चूल्हा था। तो लग क्या बिना फालतू में नया चूल्हा खरीदे, तो जो जो घर से हमें हमारे पास है चीज तो हम क्यों ना उसे ले आए। तो इस वजह से हम लोग मुरादाबाद आए थे इमरजेंसी में, और मुरादाबाद आने के बाद में हमारा फायदा ही हुआ, अब हमें फालतू के इधर उधर चीजों में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी हमारा जरूरत का सामान है वो हम स्टार्टिंग में हम यहाँ से लेके जा रहे हैं मुरादाबाद से, कि हमें वहाँ पे रहने में पंखा चाहिए, चूल्हा चाहिए खाना वाना बनाने के लिए, कि हम बाहर का खाना ज्यादा खाते नहीं है, मैडम नहीं खाती बाहर का खाना, तो हम लोग घर पे ही बनाए। तो उस कमरे में अभी जाना है, साफ सफाई करनी है, वो कमरा खाली हो गया, हमारे लैंडलॉर्ड का कॉल आया था कल, बोला है मुझे कि आप आ जाइए और खाली हो चुका है कमरा, तो कमरा खाली हो गया है, एडवांस मैंने दे दिया था। अब जाएंगे वहाँ पे, और भी पेपर वर्क है, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट बोला है उसने कि रेंट एग्रीमेंट आप है ना बनवाएंगे तब जाके मैं आपको एंटर करने दूंगा। तो मैं बोला कि हाँ रेंट एग्रीमेंट हम बनवा लेंगे, और आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो देने की बात हुई है तो वो दे दूंगा, क्योंकि हमारे लिए तो बेनिफिट है वो कि हम इस एड्रेस पे रह रहे हैं, तो अगर कोई भी चीज़ हमें जरूरत होगी। कल हम निकलेंगे, और जोरो वहाँ पे लेटा हुआ है, कि हम चले गए तो मम्मी अकेली रहती है जोरो के साथ, वो ले जा नहीं सकती डॉक्टर के पास में। तो मैं और मेरा ब्रदर इन लॉ हम लोग है ना स्कूटी में कर करके इसको लेके जा रहे हैं, आज दूसरा दिन था, कल एक बार और ले जाना है, फिर हम लोग वहीं से स्कूटी रख के फिर हम लोग वो और मैं एक साथ आ जाएंगे घर पे। घर पे आने के बाद में हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपना सारा सामान लेके। अच्छा तो ढोकला कौन खाएगा, जोरो खाएगा क्या ढोकला? जोरो को ढोकला नहीं मिलेगा, मम्मी इधर बैठी हुई है और हम निकालते हैं ढोकला, फ्रिज में रखा हुआ है तो वह बना लिया था। ये रहा जोरो तो फ्रिज तक आ जाता है सुनते सुनते। अच्छा हमको सिखा रही है, चलो फ्रिज में बैठो, भैया ठंडी लग रही है वहां पर। चलो लेकर आओ कटोरी, चलो ढोकला निकालो, हम ढोकला खाएंगे, जोरो को नहीं देंगे, जोरो देख के राल टपकाएगा। अच्छा मजा आया, मम्मी कड़ी पत्ता रखा है
कड़ी पत्ता ले चले अपने कमरे में। मुझे भी मैं खा लेता हूँ। राउंड टू तुम्हारा भी राउंड टू तुम्हारा भी राउंड टू कल मैडम की मुर्गा पार्टी थी इनके मायके में, इन्होंने खा लिया तो ज़्यादा ही तो लूज मोशन हो गया, दवाई वाई ला के दिया इनको को नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो एडिटिंग मेरे हाथ में है। एक बार तो बस बात बोलोगे। नहीं। स्क्रिप्टेड तो है नहीं कुछ। हाँ एक लाइन हम याद याद करके बोलते जा रहे हैं। कभी कदार निकल जाती है एक ही लाइन दो बार। गजब बेइज्जती है। वो मैं प्ले करके देखता हूँ। एडिटिंग होने के बाद वीडियो एडिट होने के बाद में प्ले करके देखना ही पड़ता है। आज कितनी रील बनाई तुमने मैडम। आजकल रील बनाती हैं और ये स्क्रीन पर दिख रही होगी इनकी इंस्टाग्राम आईडी, तो मैडम को फॉलो कर लेना और बताना कैसी बना ली है रील और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे यूट्यूब से भी तुम्हारे, तुम्हारी भी आईडी डाल देंगे हम। चलो गाइस खा के मिलते हैं। चलो पूजा हो गई। नमो नमो करो नमो नमो। इवनिंग टाइम पर मम्मी ने पूजा कर ली है, शंख बजा ली थी। अभी हम लोगों को जो और थोड़ा बहुत सामान है वो हम इकट्ठा करेंगे, पैकिंग कर लेंगे। कल हमें ये ना हो कि कोई जल्दी जल्दी में कुछ सामान छूट जाए, तो हम दोनों ये अभी भी कल ले लेंगे अपने गृहस्थी के लिए सारा सामान ले। और मैडम ने भी जो थोड़े बहुत कपड़े लेने थे यहाँ से वो ले लिए हैं, वो पैक कर लेंगे बैग में। एक बैग ये था, एक लंबा बैग हो रहा है। कल हम लोग निकलते हैं, फिर आपको ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ओके गाइस। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।